स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी ने अपना जो हॉलीडे होमवर्क है वो भी अच्छे से किया होगा। आप घर पे ही सेफ रहे होंगे। सो यहाँ पे हमने अपनी जो समर वैकेशन थी उससे पहले हमने क्या किया था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट जो करके उससे क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमारा जो सेकेंड चैप्टर था उसको हमने कम्प्लीटली रीडिंग कर ली थी उसकी। सो अब हमें क्या करना है, अब हमारे क्वेश्चन आंसर हमें स्टार्ट करने हैं। तो जो बुक वर्क है पहले वो फिल कराती हूँ, फिर आपके मैं क्वेश्चन आंसर आपको मैं बुक में से कराऊंगी, उसको आपको अपने नोटबुक में नोट करने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे ए दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने इसको डैश छोड़ दिया है, आपको अपने नोटबुक में लिखना है। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर। तो जो ये दिए हुए हैं आपको इनमें बताना है कि इनमें से सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। वर्ड तो हमारा सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे एक्सेल और रैम, जो रैम है वो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे रैम हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकेंड इज, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हेल्प टू कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर जो है हमारा, जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग होती है उसको कंट्रोल कौन करता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो इनका करेक्ट ऑप्शन है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं ओनली आंसर लिख रही हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज करेक्ट ऑप्शन। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद थर्ड इज, विच अमोंग दीज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से जो आपको यहाँ बुक में ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैक ओएस, एंड्रॉयड या बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यहाँ पे मैक ओएस जो है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे मैक ओएस इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम मैक ओएस में करेंगे। उसके बाद फोर्थ इज, विच प्रोग्राम कन्वर्ट अ यूजर प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो यहाँ पे हमने जैसे रीड किया था, हमने पहले रीड किया था कि जो हमारा जो हम प्रोग्राम कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर में, वो उसको प्रोसेस कौन करता है, उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है वो प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपका, वर्ड प्रोसेसर, लैंग्वेज प्रोसेसर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सो करेक्ट ऑप्शन इज लैंग्वेज प्रोसेसर। सो फिफ्थ इज, कोरल ड्रा, पेज मेकर एक्सेट्रा बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ आपके फोर आए हैं, तो फिफ्थ में आपको ओरली कराती हूँ। उसके बाद जो हमारे फिल इन द बॉक्स है वो मैं आपको बोर्ड पे कराती हूँ, बट जो फिफ्थ है वो आप उसको आप आंसर सुन लीजिए, उस आंसर को फिल कर लीजिए। सो फिफ्थ इज कोरल ड्रा, पेज मेकर एक्सेट्रा। जो कोरल ड्रा है पेज मेकर है और बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सी जो ऑप्शन दिए हुए हैं कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे स्प्रेडशीट से या फिर मल्टीमीडिया से या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। करेक्ट ऑप्शन इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सो उसके बाद हमारा बी आता है, आंसर द फॉलोइंग यूजिंग क्लूज गिवन ब्लॉक। सॉरी, यहाँ पे आपको क्या है फिल इन द ब्लैंक्स आपको वो फिल करने हैं, मैं आपको बोर्ड पे कराती हूँ अभी। सो बी में जो है हमें अपना ब्लैंक्स फिल करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ऑफ, मैं आपको बोर्ड ताकि दिखाई दे, मैं आपको बुक में सिलेक्ट कराती हूँ, सेट ऑफ डैश इज नोन ए सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ किस चीज़ का सेट हमें सॉफ्टवेयर बोलते हैं, तो वो है हमारा प्रोग्राम का सेट। यहाँ पे आएगा प्रोग्राम, फर्स्ट में फिल करना है आपने प्रोग्राम। सो सेकेंड इज डैश सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी जो वर्किंग है उसको कौन कंट्रोल करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो थर्ड इज मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 7 यूज डैश एज वर्किंग एनवायरनमेंट। जो मॉडर्न हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज 7, उनकी वर्किंग एनवायरनमेंट को किससे यूज किया जाता है। सो
करेक्ट ऑप्शन इज जी यू आई, दैट फुल फॉर्म इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जी यू आई की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड देन फोर्थ इज लैंग्वेज प्रोसेसर विच कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है जो लैंग्वेज प्रोसेसर जो हमारे प्रोग्राम्स को एक बार में ही उसके जो है उसको जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसमें कन्वर्ट कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर। फोर्थ का ऑप्शन है कंपाइलर, सी ओ एम पी आई एल ई आर, कंपाइलर सी ओ एम पी आई एल ई आर। सो फिफ्थ इज एंटीवायरस इज अ डैश सॉफ्टवेयर। हमने पढ़ा है कि अभी आपको उसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपका ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एंटीवायरस जो है वो क्या है, वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देन सिक्स इज एक्सेल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एप्लीकेशन। तो जो हमारा एक्सेल है उसके अंदर जो हमारी पेज है उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो वो हमारा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का जो होता है एग्जांपल, स्प्रेडशीट S P R E A D S H डबल E T। तो सिक्स आंसर है स्प्रेडशीट। सो उसके बाद हमारे क्या है, ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं। सो यहाँ पे मैं आपको रीडिंग ही करा देती हूँ, आपको खुद ही अपने बुक में फिल करना है। सो फर्स्ट है हमारा आंसर द फॉलोइंग एस ट्रू एंड फॉल्स सी है। सो फर्स्ट में वी कैन नॉट सी और टच द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होते हैं हम उनको छू या देख नहीं सकते। इसका आंसर है ट्रू, जो क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को ना टच कर सकते हैं और ना ही उनको देख सकते हैं। तो उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो यहाँ पे जो वो है स्टेटमेंट दी हुई है ये हमारी रोंग है, फॉल्स है। बिकॉज जो हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है, वो एप्लीकेशंस होते हैं जिसके अंदर हम वर्क करते हैं, जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, जैसे एम एस वर्ड हो गया, पेंट हो गया हमारी, और एम एस ऑफिस हो गए। सो ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एंड देन थर्ड इज ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है। सो जो थर्ड स्टेटमेंट हमारी दी हुई है इज ट्रू, थर्ड इज ट्रू। एंड देन फोर्थ लैंग्वेज प्रोसेसर इज वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो हमारी लैंग्वेज प्रोसेसर होती है वो हमारी एक टाइप की सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होती है। सो फोर्थ इज ट्रू। एंड देन फिफ्थ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है वो हमारी एक तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है, दैट इज फॉल्स। यहाँ पे जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है वो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होती। सो सिक्स्थ इज जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड बाय एनीवन। जो जनरल टाइप के पर्पज, सॉरी जनरल पर्पज के लिए जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन्हें कोई भी यूज़ करता है, कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे जो हमारे जिस टाइप के लिए, जैसे कि हमारा एम एस वर्ड है उसको हमें, सॉरी जो एम एस ऑफिस है या एम एस वर्ड है उसको मेन पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो हम ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हम डाटा रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उसके अंदर हम क्या है, एम एस ऑफिस के अंदर हम ओनली डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, पिक्चर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सिक्स्थ जो हमारी स्टेटमेंट दी हुई है इट इज़ फॉल्स। तो अब हमारा डी है आंसर द फॉलोइंग एस क्वेश्चंस। तो जो ये क्वेश्चन आंसर है इनको मैं आपको बुक में फिल कराती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वट इज़ सॉफ्टवेयर, वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ हमें बताना है कि सॉफ्टवेयर क्या है और ये जो कंप्यूटर के लिए ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, अपनी बुक में निशान लगा लीजिए यहाँ से। सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम सपोर्टेड बाय ए रिलेवेंट डाटा विच रन्स ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर द यूज़र प्रॉब्लम। यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से और यहाँ तक। फिर उसके बाद आपको जो ये लिखना है उसके अंदर कि वाई इट इज़ नेसेसरी, यहाँ पे वाई इज़ इट नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ हम लिखेंगे, उसको लिखने के बाद आपको ये लिखना है कि ये नेसेसरी क्यों है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इट इज़ नेसेसरी फॉर कंप्यूटर सिस्टम
इट इज फॉर द कंप्यूटर सिस्टम सो दैट दे सो डोंट परफॉर्म अ सिंगल टास्क एंड दे कैन, अब यहाँ लिख देती हूँ मैं, उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से करना है, कैन डू मैनी डिफरेंट टास्क। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंप्यूटर सिस्टम सो दैट दे डोंट परफॉर्म ए सिंगल टास्क एंड दे कैन डू मैनी डिफरेंट टास्क। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर के लिए नेसेसरी इसलिए होता है ताकि ये जो कंप्यूटर है वो हमारा सिंगल काम ना कर सके, किसी सिंगल काम को करने में जो है वो सक्षम ना हो, वो एक साथ बहुत सारे टास्क को कंप्लीट कर सके। तो ये यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन को लिखना, आंसर को लिखने के बाद आपको ये लिखना है। सो उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो उसके बाद यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, यहाँ पे आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, दे मैनेज द इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर एंड हेल्प यूज़र इंटरेक्ट विद द, यहाँ से लेके सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ से स्टार्ट एंड यहाँ तक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है आपको, यहाँ से रीड करके आपको अच्छे से लिखना है। और फिर उसके बाद हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या होती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइनड टू स्पेसिफिक टास्क और सॉल्व स्पेसिफिक यूज़र प्रॉब्लम, दीज सॉफ्टवेयर्स आर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द यूज़र। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसके बाद आपको लिखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मेजर फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है हमें फंक्शन बताने हैं। सो यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको फंक्शन राइट करने हैं, नोट करने हैं अपनी नोटबुक में। सो उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, गिव एग्जाम्पल्स, जो हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो क्या है और इसके एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं। तो यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका ये दिया हुआ है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से दीज आर द स्पेशल सॉफ्टवेयर विच मेनली परफॉर्म द मेंटेनेंस ऑपरेटिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपको एग्जाम्पल्स क्यों देने हैं, इसीलिए सम एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर आपको बस डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी और एंटीवायरस यूटिलिटी, बस ये लिखना है, इनके बारे में कुछ नहीं लिखना, बस इसको लिखना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसके दो एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। उसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर, जो लैंग्वेज प्रोसेसर है हमारी उसका फंक्शन क्या है, नेम सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो है हमारी उसके बारे में हमें बताना है कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होती है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए
सिस्टम सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स यूज़र प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो यहाँ से जो हमारी जो हम उसको जो यूज़र हमारा यूज़र जो हमें उसको डाटा वो देता है हमारे इंस्ट्रक्शन देता है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर का काम होता है। नाम से भी हमें पता चल रहा है लैंग्वेज प्रोसेसर का क्या काम होगा। उसके बाद यहाँ पे जो उसका एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सम ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर C++, सी लैंग्वेज, C++, पाइथन, जावा और VB एक्सेट्रा। तो बस यहाँ से लेके आपको लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स जो बताए हैं वो आपको बताने हैं। बस आपको अपना जो इसके अंदर फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर इतना ही करना है। सो अब ये जो आपको मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और आपको साथ साथ लर्न भी करना है।